नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जियोलॉजिकल पीरियड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नरसिंह वार्ष्णेय है। वैसे तो मुझे पता है कि क्लास नाइन्थ के अंदर आपने रिसोर्सेज चैप्टर के बारे में पढ़ा था, लेकिन मुझे पक्का श्योर है कि आपको वो 50-50 याद है। देखिए, आज की क्लास में हम नाइन्थ की तरह नहीं है, जो कि हम नाइन्थ में मोस्ट प्रोबेबली 5-6 लाइन को याद कर लिया करते थे और मोस्ट प्रोबेबली लिख दिया करते थे, लेकिन अब टेंथ में आ गए तो हमें पता है कि टेंथ के अंदर हर एक लाइन का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो बिना वक्त गवाए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो सभी चीज़ें होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं पेन, बुक्स, होल्डर, वो सारी चीज़ें, स्पीकर, आपका फूड, लैपटॉप, एवरीथिंग विच सेटिस्फाइंग योर नीड, वो सभी चीज़ें जो आप सभी को नीड्स को अच्छा कर मतलब पूरा करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। और अंग्रेजी भाषा में कहें तो वो टेक्नोलॉजिकल, एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज अ रिसोर्सेज। दैट मीन्स वो सारी चीज़ें जो हमारी मदद करती हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, उन सबको हम रिसोर्सेज कहते हैं। देखिए, अब रिसोर्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? रिसोर्सेज को हम कुछ ओरिजिनल बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला जो हम सबसे पहले जो रिसोर्सेज को हम ओरिजिनेट करते हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है? ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि वो सारे रिसोर्सेज जो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहला बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर जान होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरा हो गया, फना हो गया, फिशरीज हो गई, लाइफ स्टॉक हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज हैं। मतलब सभी के अंदर, मेरे प्यारे बच्चों, जिनके अंदर जान होती है उन सभी को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। फिर आपका जाता है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स, है ना, एवरीथिंग जिनके अंदर किसी के अंदर जिनके अंदर जान नहीं होती, स्पीकर, फोन, टैबलेट, जिनके अंदर जाननी है, वो सभी क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। अब एग्जॉस्टेबिलिटी क्या है? मुझे भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि एग्जॉस्टेबिलिटी क्या है। एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो खत्म होने की कगार पर हो। देखिए, इसमें दो कैटेगरी बनती है, पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हम रिन्यूड कर सकते हैं फिजिकली, केमिकली, मैकेनिकली, दैट मीन्स हम उनको दोबारा से बना सकते हैं। हम क्लास फिफ्थ से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मुझे तो पक्का लगता है कि इस चैप्टर को ना इन्होंने टेंथ के अंदर भी डाला है, और मैं बताता हूँ आपको, ये कंप्यूटर के अंदर भी आपका जो ग्रीन स्किल्स हैं उस चैप्टर के अंदर भी आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में मिलेगा। तो वक्त को नहीं गंवाते हुए हम फिर से रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर आते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज कहलाते हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेनिशेबल कर सकते हैं, वो सभी रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यूड कर सकते हैं और आगे वाले प्रोसेस में हम उनका पूरा भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वो सारे रिसोर्सेज जिनको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। फिर आपका आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हमारे जियोलॉजिकल टाइम से हमारे साथ हैं, लेकिन वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने में, इनकी फॉर्मेशंस में, लेकिन हम इनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन में ये पूरी कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं। डीजल्स हो गया, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब देखिए, ओनरशिप में दो तरीके के रिसोर्स होते हैं, एक तो खुद का माल, समझ रहे हो ना, जैसे कि पेन, पेंसिल वगैरह, ये सब अपना खुद का माल होता है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए, है ना। और दूसरा हो गया कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। तो देखो, इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो सभी रिसोर्सेज होते हैं जो इंडिविजुअल्स के होते हैं, दैट मीन्स या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं या ग्रुप ऑफ मेंबर्स के होते हैं, हम कह सकते हैं फर्म, या कोई ज़मीन वगैरह जो एक फार्मर को अलॉट कर रखी है, वो सारे क्या इंडिविजुअल रिसोर्स है, दैट मीन्स सिर्फ उस पर उसी का कब्जा है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं प्लॉट, हाउसेस, अदर प्रॉपर्टी, प्लांटेशंस, पास्चर्स लैंड, ये सभी क्या है? ये सारे जो हैं हमारे एग्जांपल्स हैं किसके? इंडिविजुअल रिसोर्सेज के। फिर आ जाता है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। मतलब भाई, ये तुम्हारा खुद का माल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस पर सभी का हक है। जैसे कोई कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, मतलब भेड़ बकरियां जो चराते हैं ना, चारवाए जो होते हैं, अब मान के चलो बगल में आपके कोई खाली प्लॉट है, फॉर एग्जांपल कोई खाली ज़मीन है, पार्क है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, तो उस पार्क पे तो सभी के लिए एक्सेसिबल है, वहां सभी जा सकते हैं, है ना। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड हो गए, बुरियल ग्राउंड हो गया, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोई मर गया तो सिर्फ आप ही की फैमिली, जो किसी भी फैमिली वगैरह से ही कोई गाड़ सकता है,
ना, बुरियल ग्राउंड मतलब सबके लिए कॉमन है, वहाँ पर कोई भी लोग आप किसी को भी दफना सकते हैं। ऐसे ही विलेजेस के कुछ ग्रेजिंग ग्राउंड्स वगैरह हुए, पॉन्ड्स वगैरह हुए, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, तो ये सब भी क्या है, कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स है। फिर आपका आता है नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज वो होता है जो एक कॉमनली हम कह सकते हैं पूरे नेशन को बिलोंग करता है, जैसे द कंट्री हैज़ अ लीगल पार्ट टू एक्वायर इवन अ प्रॉपर्टी फॉर अ पब्लिक गुड। वो सभी रिसोर्सेज मतलब जो पब्लिक के लिए हैं, मतलब उनको सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रोड, कैनाल, रेलवे, ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मतलब ये कॉमनली हम कह सकते हैं नेशंस के रिसोर्सेस हैं। ये पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के रिसोर्स में, इस पर गवर्नमेंट का पूरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस पर गवर्नमेंट का की एक्वायर्ड लैंड है जिसे हम कह सकते हैं, जैसे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, है ना, ये सभी रिसोर्सेस पर क्या है, गवर्नमेंट का है फॉर। और आपको एक खास हैरान बात जानकर होगी कि इंडिया के अंदर 22.2 किलोमीटर, मतलब जैसे हम कह सकते हैं महाराष्ट्र से अगर हम चलें, गुजरात के कोस्टल एरिया से महाराष्ट्र से, उसके आसपास मतलब जो हम इंडिया है और इंडिया के आसपास जितना भी समुद्री वाला पोर्शन जो है, उसके 22.2 किलोमीटर की रेंज में मोस्ट प्रोबेबली हमारा हक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं 12 नॉटिकल माइल्स, तो ये सारा जो कोस्टल एरिया होता है, जो आसपास का मैदान होता है इंडियन के आसपास, उस पर किसका कब्ज़ा होता है, गवर्नमेंट का कब्ज़ा होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया की है। मतलब जो आसपास का 22.2 किलोमीटर है, जो कोस्टल एरिया के आसपास जो सी वाटर है, उसकी हम रेंज कह सकते हैं कि 22.2 किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 12 नॉटिकल माइल्स पर किसका कब्जा है, गवर्नमेंट का। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वो सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं जिस पर इंटरनेशनल का कब्जा होता है, जैसे कि जो ओशियन रिसोर्स है जिनका 200 नॉटिकल माइल्स से ज़्यादा है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि 200 नॉटिकल माइल्स से अगर हम ज़्यादा क्रॉस करके जाते हैं एरिया को, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर इंडिया का है या अमेरिका का है, उस पर हर किसी कंट्री का मतलब हक है, उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जानकर तो बड़ा मजा आएगा कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं जिन्हें हमें मिलते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ पर हम इनफ मतलब बिजली वगैरह जो है वो सभी बना सकते हैं सोलर एनर्जी, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको कर सकें, पूरी तरीके से डेवलप कर सकें। जैसे हमारे पास कोई इतनी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे विंड है, सोलर एनर्जी, आपको पता है गुजरात के कोस्टल एरियाज पर विंड का सबसे ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन फिर भी हमको वो पोटेंशियल रिसोर्सेज नहीं देखने के लिए मिल पाते, हम उनको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं कर पाते, डेट मीन्स हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, इसलिए हमारी सरकार, आपको पता है वही घिसा पिटा काम है ना, तो वो घिसा पिटा क्या है, वो रिसोर्सेज जो मतलब कोल वगैरह से, मिनरल वगैरह से जलाकर, इन सब से मतलब हम बिजली इसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है आपका डेवलप रिसोर्सेज। वैसे एक बात तो मैं भूल ही गया कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो आपको पता है कि डेवलपमेंट आपका कैसा चल रहा है, सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, तो आपको पता है कि ये कैसा मतलब वो है। फिर आ जाता है आपका डेवलप रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। डेवलप रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटीज़ कह सकते हैं हम, क्वान्टिटीज़ कहते हैं, जिन्हें हम यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं, है ना। और उनको हम टेक्नोलॉजी और फीसबिलिटी, डेवलप मतलब जिसको हम, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्वान्टिटी अच्छी हो, जिसके बारे में हमें पता, जिसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हमें ज़मीन के अंदर से मिल रहे हैं और उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें क्या, डेवलप रिसोर्सेज के अंदर आती है। फिर स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब वो सारा मटेरियल जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम उनको कर नहीं पा रहे सही तरीके से एक्सेसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O तो पता हो, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 16 एटम मिलकर 18 एटम बनाते हैं, ये तो केमिस्ट्री है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब हमें पता है कि H2O के अंदर वाटर होता है, लेकिन H2O के अंदर से क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ऑक्सीजन को वहाँ से हटा सकें, मतलब निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, हाइड्रोजन को हटा सकें। अब हमारी आने वाली इकोनॉमिक जनरेशन हाइड्रोजन फ्यूल पर बेस्ड होगी, लेकिन हमारे पास अभी भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम पानी के अंदर से हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकें। फिर आ जाता है हमारा रिजर्व। रिजर्व एक तरीके का सब्सटेंस होता है, एक स्टॉक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमें पता है टेक्निकल हाउ कि हमारा फ्यूचर में इस तरीके का यूज़ हो सकता है। अब हमें पता था कि पैंडेमिक के अंदर हम फ्यूल को कितना ज़्यादा स्टोर कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बाहर से, ईरान से, इराक से, इसराइल से काफ़ी सारा क्रूड ऑयल जो है उन्होंने आकर स्टोर कर लिया था, क्योंकि
पता था कि आने वाले जनरेशन में वो फ्यूल जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो आर्मी वाले पर्सनस हैं वो भी किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फ्यूल को पहले से ही वॉर होने से पहले वो सारे रिजर्व करके रखते हैं अपने टैंक फ्यूल्स को, कि मान के चलो कि अगर मतलब वॉर शुरू हो जाती है तो रिसोर्सेज का इनपुट वगैरह वो सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए वो सारा रिजर्व पहले से स्टोर करके सकते हैं जिससे कि वो वॉर कर सके किसी में, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर्स बहुत पसंद आया होगा, और अगर यदि पसंद आया है तो आप इस पर डू लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर यदि आपको कुछ मैं गलत लगता हूँ या मेरी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे दोबारा कमेंट पर कर बताएं, मैं आपके कमेंट का महत्वपूर्ण तरीके से जवाब दूंगा और मैं आगे चलकर उसको सही करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और जेन्युइन मतलब तरीके से अपने घर पर खेलें कूदें और पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। बी सेफ, बी हैप्पी एट द टाइम, दिस इज़ द टाइम फॉर पैंडमिक।